नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। सुपौल जिले में एक दर्दनाक घटना प्रकाश में आया है, जहां संकी पति ने अपने पत्नी और 3 साल के बच्चे को बांधकर जिंदा जलाया घर में पलंग से बांधकर। जैसे ही घटना प्रकाश में आया क्षेत्र में हलचल मच गई। वही घटना के बाद संकी पति फरार हो गया। बताते चले कि ये मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पति ने अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे को पलंग से बांधकर जिंदा जला दिया है, जिसमें दोनों की जल जाने के कारण मौत हो गई है। वहीं इस घटना के बाद पति और उसकी बहन फरार है। क्या आदमी एक्सपर्ट कर रहे हैं? छीट करके आग लगा दिया घर में बंद करके। कौन लगा दिया? प्रियंका कुमारी और उसका सब परिवार। कौन है प्रियंका? उसका बहन है, लड़का का बहन है। मतलब अभी क्या आदमी एक्सपायर किए हैं? दो आदमी, एक बच्चा था पेट में। मतलब 3 आदमी? हाँ, 3 आदमी। सबको कैसे एक्सपायर जला दिया है? पेट्रोल छीट करके आग लगा दिया घर में। कैसे घटना के बारे में कैसे जानकारी मिली? ये घटना का फोन किया हम लोग, तब हम आए हैं उधर से। आप कौन हुए मृतक का? चाचा हुए। प्रियंका और उसका भाई। घटना हुई है? घटना यही, दोनों माँ और बेटा को जला दिया पेट्रोल छीट करके। कौन जला दिया? प्रियंका और आशीष। प्रियंका कौन है जो मरी है? उसका ननद है। और वो आशीष? आशीष उसका पति है। कैसे जला दिया? वैसे जबरदस्ती लड़ाई वड़ाई हुआ दोनों आदमी में। जबरदस्ती है, बच्चा को आँख में पाटी बांध दिया और उसके बाद जबरदस्ती साड़ी से पैर और हाथ दोनों बांध दिया, उसके बाद पेट्रोल छीट करके आग लगा दिया रूम में बंद करके। क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार। मृतका के कौन है आप? भाई है हम।